दलित महिला राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि का घोर अपमान करने का मामला जबलपुर से सामने आया है। विश्व योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मंच पर दलित महिला राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि को स्थान नहीं दिया गया। इस कार्यक्रम में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मध्य प्रदेश के कई मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सम्मिलित थे। इस मामले में दलित राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने जबलपुर जिला प्रशासन पर नाराजगी भी दिखाई है। इस मामले में सुमित्रा वाल्मीकि ने बताया कि मंच पर जब मैं गई तो वहां पर मेरी कुर्सी पीछे लगाई गई थी, जो कि प्रोटोकॉल के हिसाब से गलत थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब यहां देखा तो उन्होंने मुझे आगे आने के लिए कहा, लेकिन अपमान को सहन कर मैं पीछे ही बैठी रही। सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि उपराष्ट्रपति के साथ मैं भेड़ाघाट और ग्वारी घाट में भी थी। जबलपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जानबूझकर योग दिवस पर दलित महिला की वजह से मेरे साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया है। दलित महिला राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने आगे कहा कि अगर जब भी कोई VIP आता है तभी के हाथों में जिला प्रशासन गुलदस्ते देता है, लेकिन दलित महिला सांसद होने के नाते मुझे गुलदस्ता तक नहीं दिया गया। आपको बता देते हैं कि सुमित्रा वाल्मीकि की नाराजगी ऐसे समय पर सामने आई है जब कुछ माह बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस घटना से भाजपा को दलित समुदाय के वोटों का भी नुकसान हो सकता है। आदर्श न्यूज नेटवर्क मध्य प्रदेश। उनके हिसाब से जो पत्रक छपा था उस पत्रक पर मेरे पास में बहुत से लोगों का फोन आया कि नाम नहीं है, तो मैंने उस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। मैं संगठन को मैंने बता दिया और पत्रक की कॉपी भेज दी। उसके बाद में जब मैं दूसरे दिन 21 तारीख को वहां गई तो 21 तारीख को मैंने देखा कि मुझे जैसी मंच पर पहुंची तो मुझे कोई कुर्सी नहीं थी, मैं सीधे जाके पीछे बैठ गई मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी ने पलट के मुझे देखा, फिर स्टाफ को उन्होंने डांटा और बोले आगे कुर्सी लगाओ। ये चूक क्यों हो रही है ये बताइए ना। प्रशासन ने कितना लापरवाह हो सकता है, ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ अपनी लाइफ की राजनीति में। दूसरी बात है कि माने महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय हम लोग के साथ में भेड़ाघाट गए, प्रशासनिक चूक कैसे हुई कि जो सर्किट हाउस उनको बुक किया गया था वो छोड़ के दूसरे सर्किट हाउस में वो पहुंच गए, ये कैसे चूक हुई? ये प्रशासनिक लापरवाही है ना कि आप किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे हो, ना तो आप पद का सम्मान रख रहे हैं ना प्रोटोकॉल निभा रहे हैं। तो इस तरह की जो है सभी प्रतिनिधियों ने कंप्लेन की है, मैं अकेली नहीं हूँ इसमें, और भी प्रतिनिधियों ने कलेक्टर के प्रति असंतोष व्यक्त किया। मतलब जी क्या लगता है कि ये जो प्रशासन ने जानबूझकर इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं? प्रशासनिक लापरवाही जानबूझकर ही मानी जा सकती है, एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, हर बार आप करोगे तो मुझे ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इनके दो मानसिकता है इनकी। क्या मांग की आपने मुख्यमंत्री जी से? हाँ, मुख्यमंत्री जी आपको जवाब मिल जाएगा तो चार दस दिन। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।